चलिए बच्चों, आज हम पहले अपने दो न्यूज़ की बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। कुछ नए बच्चे भी जुड़े हैं, वेलकम टू ड्रीम आईएएस। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बस अपनी चीज़ों को करिए, जितना पढ़ाया जाए उसको ध्यान से समझिए, बाकी चीज़ें कवर अप होंगी। क्योंकि इस बार हिस्ट्री की क्लास भी तीन ही नहीं हुई हैं, दो ही हुई हैं, कायदे से एक ही हुई है, तो आज होगी और कल से फिर ज्योग्राफी दो दिन जो है वो चलेगी। अगले वीक से क्या होगा, मंडे ट्यूसडे वेनसडे हिस्ट्री चलेगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ज्योग्राफी चलेगी। आज क्योंकि आप लोगों को करंट अफेयर्स में कनेक्ट नहीं किया जा सका, इसके लिए वेरी सॉरी। यहाँ पर आज हमारे पास दो एडिटोरियल हैं, पहला है सोशल मीडिया वर्सेस ट्रेडिशनल न्यूज़, पहला है सोशल मीडिया वर्सेस ट्रेडिशनल न्यूज़, और दूसरा जो हमारा बेटा एडिटोरियल है डेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैफाइन वर्सेस नेचुरल कैफाइन। ठीक है, जो कैफीन है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है हमारे लिए, और ये कैफीन कहाँ से आती है, क्या इसका रोल है, कैसे ये क्या करती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप सबको पता है कि कैफीन जो है एक कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है और सबसे ज़्यादा लोग पीते थे पहले, बट आज इसको एक सिंथेटिक कैफाइन के नाम से चीज़ें आ गई हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड हेल्थ डिजास्टर्स क्या हैं, कौन कौन से इश्यूज़ हैं, इनके बारे में आज हमें बेसिकली यहाँ पर बात करनी है। तो जब पहले एडिटोरियल की बात करते हैं, सोशल मीडिया आज की डेट में पूरी मार्केट की रूपरेखा बदल रहा है। अगर आप बात करें, सोशल मीडिया इज चेंजिंग द एंटायर सिनेरियो ऑफ एंटायर इंडिया। रीज़न बीइंग, आज का जो यूथ है दे आर मोस्ट एजुकेटेड एंड दे वोंट हैव टाइम टू वॉच टीवी। आज का यूथ है बेटा वो टीवी नहीं देखता, वो क्या करता है बेटा, वो सबसे ज़्यादा बैठता है कहाँ पर, सोशल मीडिया पर, और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म आज की डेट में है यूट्यूब। तो ये सबसे ज़्यादा बैठता है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर ही अभी कुछ ऐसे वीडियोज़ स्ट्रक्चर हुए, कुछ ऐसे वीडियोज़ फॉर्म हुए जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डली, 25 मिलियन व्यूज़ हो गए उसको एक महीने के अंदर। ऑल दो जो व्यक्ति ये चीज़ बोल रहा है वो इंडिया में नहीं रहता, द पर्सन हु इज़ पोस्टिंग दैट वीडियो ही इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, ऑल दो ही इज़ इंडियन बट ही इज़ नॉट इन इंडिया। उनका नाम है ध्रुव लाठी। ध्रुव राठी ने एक वीडियो डाला है, आर इंडिया इज़ गेटिंग न्यू डिक्टेटर। सो डिक्टेटरशिप के लिए इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने डिक्टेटर वाली गवर्नमेंट बोल दिया। अब ये क्या हुआ, ये डिक्टेटरशिप वर्ल्ड जो तानाशाह वर्ल्ड जो यूज़ कर लिया, डिक्टेटरशिप का जो वर्ड यूज़ कर लिया, ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई। आप किसी भी गवर्नमेंट को डायरेक्टली डिक्टेटर नहीं बोल सकते, इन्होंने बोल दिया। अगर इंडिया के अंदर होते शायद यूएपीए इनके ऊपर लग चुका होता, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो था वो इन पर लग चुका होता, आज जेल में। पर इन्होंने जहाँ से बोला है वो यूके की किसी कंट्री, जर्मनी में रहते हैं, ठीक है, और वहाँ की उनके साथ सिटीजनशिप है, तो वहाँ से वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको कोई टोकने रोकने वाला नहीं है। तो वहाँ से इन्होंने ये सब चीज़ें बोल दी बेटा, तो यहाँ पर कई सारे इशूज़ क्रिएट हो गए, कई सारे बेसिक इशूज़ यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई क्या सच में हमारी गवर्नमेंट डिक्टेटर है, क्या सोशल मीडिया इतना बड़ा रोल प्ले करती है कि चीज़ें बदलने लगें। तो एज ऑब्वियस ही बात है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जैसे कुछ पॉलिटिकल रीडर्स बोलते हैं, ठीक है, वो रवीश जी के यूट्यूब वीडियोज़ बहुत देखते हैं, रवीश के जो भी पोस्ट आते हैं वो लोग देखते हैं। क्योंकि क्या है, आज की डेट में सेफ और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का नया जो प्लेटफॉर्म है डैट इज़ सोशल मीडिया, एंड ऑन द सोशल मीडिया डैट इज़ यूट्यूब। यूट्यूब पे हम फ्रीली कोई भी वर्ड बोल रहे हैं, कोई भी बात बोल रहे हैं, एंड डैट इज़ द बेसिक रीज़न कि लोग इसकी तरफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और ये लोगों का माइंडसेट बदलने का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये जो वीडियो सरफेस हो रहे हैं, जैसे जब बीजेपी ने अपना कैंपेन स्टार्ट किया था इन 2014 एंड 2019, तो उस टाइम पर इनके पास सबसे बड़ा वेपन जो था वो क्या था, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने इनको अवेक किया था। अभी भी ये लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पर सोशल मीडिया इनके लिए प्रॉपर मैनर में फंक्शनिंग नहीं कर पा रही, सोशल मीडिया इनको वो ट्रस्ट नहीं दे पा रही जो इनको चाहिए। सोशल मीडिया में आज कई सारे वीडियो सरफेस हो रहे हैं, अगर इस साल इस बार INC की सीटें बढ़ती हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीटें बढ़ती हैं, या इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ती हैं, तो इसका क्लियर सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं, ठीक, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होगा। देखिए, आज की डेट में गवर्नमेंट से लोग परेशान हैं। क्यों परेशान हैं मैं आपको बताऊं, यूथ जो है आज की डेट में अपने आप को बदलाव की तरफ देखना चाहता है, और यूथ अपने लिए बदलाव के लिए, भाई हम उनकी बात नहीं कर रहे,
कि एक ने बड़ा पाव का ठेला डाल दिया, एक डॉली चाय वाला बन गया, ठीक है, चार नए MBA और BBA चाय वाले आ गए, डैट इज़ नॉट अ एंटरप्रेन्योर, ये बिजनेस नहीं है बेटा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। हम बिल्कुल कहते हैं कि वो बिजनेस बन गया, उनकी स्टाइल बिजनेस बन गई, बट हर बंदा इसी तरीके का बिजनेस क्रिएट कर देगा ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। वो ऑडी और मर्क से चल सकते हैं, आप नहीं चल पाएंगे। वो टैक्स फ्री हैं, आप उनको कॉपी करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, डेट इज़ नॉट अ राइट वे ऑफ डूइंग बिजनेस। आपके टैलेंट और आपके ट्रेंड को हर बंदा सीखे, ये बात नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही हैं। अगर आप स्किल इंडिया प्रोग्राम की बात करेंगे, जिसमें इन्होंने कहा था हम सबको स्किल देंगे, स्किल इंडिया प्रोग्राम भी ग्रे शेड में चल रहा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर आज के टाइम बहुत सारी रिपोर्टें और जांचें बन रही हैं, जिसके चक्कर में पता चला है स्किल इंडिया प्रोग्राम में जितना फंड सरकार ने डाला वो पूरा नहीं हुआ। अगर हम डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, वो भी नहीं हुई बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो चीज़ें कमिट की वो सारी कोई भी चीज़ इनकी फुलफ़िल नहीं हुई। इन्होंने जो कमिटमेंट किया, जो रोए, जो चीज़ें बोली, जो एपिसोड बनाए, वो कहीं ना कहीं फेक होते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं आज यूथ थोड़ा अवेक है और वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकती है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं मीडिया जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, कैंपेन कराने में भी और कैंपेन ख़राब करने में भी। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है। आज की डेट में अकेले BJP के वीडियोज़ नहीं है सरफेस हो रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें खोलेंगे तो कांग्रेस से लेकर अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी अपने इन्वेस्टमेंट को सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा बढ़ाया है, और उस पर्टिकुलर इंक्लाइनेशन को देखते हुए हमें ये श्योर हो चुका है कि इस इंक्लाइनेशन के साथ ये 100% श्योर है कि आने वाले टाइम पे बेटा सोशल मीडिया में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करेगी वो प्ले करेगी कौन? मीडिया। आज मीडिया भी जो है हमारी, जो आपकी न्यूज़ चैनल्स थे, वो भी आज कहाँ बैठे हैं? यूट्यूब में जाके। आज वो कहाँ बैठे हैं? रील्स में जाकर। ये क्यों रील्स और यूट्यूब पे जा रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि यूथ की मैक्सिमम शिफ्टिंग किधर हो गई है? सोशल मीडिया की तरफ। और कोई भी यूट्यूबर, इन्हेंसर, इन्फ्लुएंसर आता है और कोई भी बात बोलता है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का डाउनफॉल होने के चांसेस बढ़े आते हैं। अगर बीइंग टीचर मैं आपसे कहूँ कि भाई BJP की गवर्नमेंट बहुत अच्छी नहीं है, तो आप कहोगे, आप एक दो आप में से किसी एक बच्चे का तो माइंडसेट चेंज होगा कि नहीं, हो सकता है BJP की गवर्नमेंट सही ना हो और हमें किसी और गवर्नमेंट की तरफ जाना पड़े। तो कहीं ना कहीं मेरे एक स्टेटमेंट से अगर दो वोटर उनके कम होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया में ख़तरनाक माना जाएगा, राइट? अगर मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बुराई करता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये लीगली सही नहीं है और ये मुझे नहीं करना चाहिए, इस पर एक बहुत बड़ा इशू आएगा। तो यहाँ पर इशूज़ इसलिए आते हैं क्योंकि ये हम कर नहीं सकते। वी वॉन्ट हैव राइट, है ना, टू डिफेम एनीवन, बट हाँ हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना ओपिनियन रख सकते हैं, जो ओपिनियन लोग रख रहे हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ बेटा ये है कि किसी भी देश की सरकार चलने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, जब भी कोई हेल्दी डेमोक्रेसी की बात करेगा, अगर हेल्दी डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं, ठीक है, तो बेटा हेल्दी डेमोक्रेसी तभी चलेगी जब आप उस हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सीरियस होगे। अगर आप उस हेल्दी डेमोक्रेसी को सीरियसली नहीं लोगे, तो वो हेल्दी डेमोक्रेसी कहीं से भी आपके काम नहीं आएगी, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम हमेशा चलती है। तो हेल्दी डेमोक्रेसी ही है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, और इसको हमको समझ के चलना है कि हेल्दी डेमोक्रेसी होती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी डेमोक्रेसी? व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी डेमोक्रेसी? हेल्दी डेमोक्रेसी का मतलब है व्हेन द गवर्नमेंट इज अंडर कंट्रोल। जब किसी सरकार के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो, और किसी भी सरकार को कंट्रोल में हम तब रख सकते हैं जब वो मेजॉरिटी की गवर्नमेंट ना बनाए। अगर वो मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होगी तो प्रॉब्लम होगी। आपको बता दें, व्हेन द गवर्नमेंट इनिशिएटेड देयर फंक्शनिंग इन 2014, उस टाइम पे उनकी इतनी सीटें नहीं थी जितनी इनको 2019 में मिली, और यहाँ से डिक्टेटर बनने का एक रूपरेखा तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि एक वीक अपोजिशन इज़ नॉट एन अपोजिशन। वो अपोजिशन आपको धमकी नहीं दे सकता, वो अपोजिशन आपको ख़त्म नहीं कर सकता, वो अपोजिशन आपके खिलाफ नहीं जा सकता। रीज़न बीइंग उसके पास पावर ही नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी आपके चीज़ों की है, और आपकी चीज़ें होने के चक्कर में आप अपनी गवर्नमेंट बना के बैठे हो और आपको कोई भी 5 साल नहीं निकाल सकता। बट क्या हो 2019 रिपीट ना हो और 2024 में जब गवर्नमेंट बने, तो ये कोलाबोरेशन की गवर्नमेंट हो जाए, ये एक दूसरे के सहयोग के साथ बने। अगर ये नहीं हो सकता, तो भी हम ये ज़रूर चाहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो, मतलब NDA जो ग्रुप है और जो इंडिया ग्रुप है और UPA ग्रुप है, उसमें इंडिया ग्रुप को भी बहुत सारी सीट्स मिलें। इसके लिए यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाइए और कांग्रेस को वोट दीजिए, बात ये हुई नहीं। यहाँ पर बात ये हो रही है कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आप क्रिएट कर दीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना है, फिर से बने, कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद BJP को वोट देते थे। बट यहाँ पर बात आती है, अगर आपके पास जो कैंडिडेट खड़ा है, आपका क्षेत्रीय कैंडिडेट जो खड़ा है बच्चों,
अगर वो आपके लिए सही नहीं है, भले वो कमल के ठप्पे पे खड़ा हो, आप उसके खिलाफ़ खड़े हो सकते हो, उसके खिलाफ़ बोल सकते हो और उसके खिलाफ़ लड़ाई कर सकते हो, आप देश में खड़े रह सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई साहब इन्होंने ठीक से हमारे लिए काम नहीं किया, इसलिए हमारे लिए बिल्कुल पसंदीदा वाला नहीं है, इनको बाहर भगाइए। तो एक वर्ड होता है चुनाव में जिसको बोलते हैं नोटा। आप में से किसी ने आज तक नोटा को वोट दिया? बच्चों, आउट ऑफ यू ऑल एनीबॉडी हैज एवर वोटेड नोटा? किसी ने नोटा को वोट दिया? दूसरा क्वेश्चन आता है हेल्दी डेमोक्रेसी में, वेरी गुड। अब अगर आप वोट देने जा रहे हैं और आपने देखा कि ये आपका मशीन ईवीएम की बनी हुई है, ठीक, यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर लाइट है और यहाँ पर बटन है, ठीक, ये लास्ट में एक वर्ड होगा नोटा। अगर बच्चों आपको लगता है कि जो कैंडिडेट्स खड़े हैं दे आर फ्रॉड्स, दे आर क्रिमिनल्स, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, एंड दे आर नॉट द वन हु कैन प्रॉपरली गवर्नर्स, तो आपको क्या करना है, आपको सीधे नोटा पे वोट देना। अगर आप बेटा नोटा पे वोट देंगे तो क्या होगा, नन ऑफ द अबव का मतलब हो गया, अगर ये कभी जीत जाए, नोटा कभी जीत जाए, मतलब लेट सपोज यहाँ पर 100 सीट्स हैं और 100 में से 60 प्लस किसको मिल जाए, नोटा को, अगर ये जीत जाती है तो ये सारे कैंडिडेट को हटा के दोबारा बाई इलेक्शन कराए जाएंगे और उस क्षेत्र में दोबारा चुनाव होंगे। अगर आपके लिए जो कैंडिडेट्स खड़े हैं आपको पसंद नहीं है, आप नोटा पे वोट दीजिए, इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर ये हो जाता है, जीरो वोटिंग जिस दिन हो गई उस दिन आप पॉलिटिक्स इंडिया की बदल सकते हैं, और जीरो वोटिंग का मतलब है 100% नोटा। जिस दिन आप 100% नोटा की तरफ मूव कर गए उस दिन जीरो वोटिंग के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पर बात ही आती है कि सोशल मीडिया जो कह रहा है वो कितना सही है, कितनी चीज़ें, एक वर्ड उन्होंने बोला डिक्टेटरशिप, तो सच में क्या यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आप ईडी का यूज़ उस टाइम पे कर रहे हो जब जनरल इलेक्शन चल रहे हैं, जनरल इलेक्शन के बाद आप उनको जेल में डालते, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक, आप इस टाइम पे मैक्सिमम पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाल रहे हो और जेल से वो बाहर आ रहे हैं, भले वो आप पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, अदर लोग हो, इन सबको आप कॉन्स्टेंट नोटिस देते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की रूपरेखा तो आप क्रिएट कर ही रहे हो। ईडी सीबीआई को यूज़ करना और मिसयूज़ करना अपने प्रॉफिट के लिए गलत है। दूसरा, ईवीएम से रिलेटेड इश्यूज कांस्टेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या प्रूफ करती हैं? सारी चीज़ें आपको ये प्रूफ करती हैं कि कहीं ना कहीं हेल्दी डेमोक्रेसी में अगर एक गवर्नमेंट मोनोपोलाइज्ड होती है तो वो मोनोपोलाइजेशन के बाद अपनी चीज़ों को राइट डायरेक्शन में नहीं चलाती। इसलिए अगर आप कभी भी डेमोक्रेसी को हेल्दी, देखिए डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में यही अंतर है, डेमोक्रेसी में सरकार को जनता का डर होता है और डिक्टेटरशिप में जनता को सरकार का डर होता है। आज क्या हो रहा है, टुडे वी आर अफ्रेड ऑफ आर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज नॉट अफ्रेडिंग अस, सरकार आज हमसे नहीं डर रही, हम सरकार से डर रहे हैं, यार ज्यादा बोलेंगे तो सरकार जेल में डाल दे। आज मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो आपने उठाया और रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया, या यूट्यूब में इसकी शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स बनाई और उसको आपने आगे पहुँचा दिया, जब इसे बेटा आप आगे पहुँचाओगे तो यहाँ पर एक वर्ड आएगा कि भाई आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हो। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पर सीधे कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट कर रही है क्या वो डिक्टेटरशिप है? अगर आपसे कोई कहे है तो है, बिल्कुल है भाई। अगर आप सरकार से डर रहे हो तो वो डिक्टेटरशिप है, और अगर सरकार आपसे डर रही है तो वो डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी अपोजिशन जरूरी है। आज भी आपको यही बोलूँगा, आज से 5 साल बाद भी यही बोलूँगा, अगर आप किसी को मोनोपोलाइज करते हो तो वो डिक्टेटर बनता है। अगर अब की बार 400 पार या 420 पार अगर कर लेते हैं भाई साहब, तो फिर बेटा डिक्टेटर तो वो है ही, फिर आप उनको काट नहीं सकते। तो इलेक्शन का मतलब ही है बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए, ये ऐसे जाना चाहिए तराजू, यहाँ पर अपोजिशन, यहाँ पर गवर्नमेंट, तो समझ में आता है ये तराजू कैसे गया है या ऐसे गया है, यहाँ पे गवर्नमेंट और यहाँ पर अपोजिशन, तो डिफरेंसेस तो हैं भाई। अगर थोड़ा भी बैलेंस रहेगा तो आप सरकार में डेमोक्रेसी को देख पाओगे, आप हेल्दी डेमोक्रेसी से बाहर जा रहे हो, तो अपोजिशन को थोड़ा स्ट्रांग करना जरूरी है। इस पे ये एडिटोरियल था, है ना, बहुत अच्छा एडिटोरियल है। तब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, डू यू एग्री डेट इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू डिक्टेटरशिप एरा? तो आपको लिखना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मोदी साहब हम सबको बहुत मानते हैं, हमारी बहुत इज्जत करते हैं,
वो सारी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट यूपीएससी अगर बीजेपी की सरकार आती है तो। ठीक। अच्छा, आप में से कई लोग मोदी भक्त होंगे या बीजेपी को मानते होंगे। मैं आरएसएस का भी मेंबर हूँ, मैं बीजेपी का मेंबर रह चुका हूँ और हूँ भी आज की डेट में। एक्टिव नहीं हूँ नो डाउट, बट क्योंकि पॉलिटिक्स में मुझे रहना नहीं है। बट सिंपल सी चीज़ है कि मैं बीजेपी को कभी बुरा नहीं कहता एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उसके विजन बुरे नहीं है। बट एज अ लीडर अगर कोई डिक्टेटर बन जाए तब दिक्कत है। लेट सपोज पूरी मार्केट में सिर्फ धर्मेंद्र राणा जीएस पढ़ा रहे हो और यूपीएससी के सारे टीचर गायब हो जाए तो मैं डिक्टेटर बन जाऊंगा। मुझे कोई कंट्रोल करने वाला, मुझे कोई डराने वाला, मुझे कोई रेगुलेट करने वाला नहीं होगा। देन आई विल बी द सुप्रीम पावर। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, आप मुझसे 10 बात बोलोगे मैं आपकी सारी बातें इग्नोर करूंगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्ले करता है रोल। आप नोटा को अवेक करिए, लोगों को बताइए कि अगर आपके कैंडिडेट अच्छे नहीं हैं तो आप नन ऑफ दी अबव पर वोट डाल दीजिए। वंस नोटा विंस, योर डेमोक्रेसी सस्टेन्स। यही एक कॉन्सेप्ट मैंने बोला साहब कि अगर आपकी गवर्नमेंट ही जो चल रही है आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लिख सकते। यही तो मैंने बोला, इफ द गवर्नमेंट इज इन रूल यू कांट राइट एनीथिंग अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट। यूपीएससी सिंपल सा कहती है आप प्रधानमंत्री को सीधे ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन इज अ बिग फ्लॉप, SBM 1 एंड SBM 2 दोनों एक फ्लॉप है, दोनों फ्लॉप है। अब इसके बारे में जब आप लिखोगे तो आप अपनी ब्यूरोक्रेसी की गलती दोगे, लोगों के माइंडसेट की गलती दोगे, सरकार की गलती थोड़े ना। ये एक इशू आता है। ठीक।